हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का नीलम भारती किचन में स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ ढोकला रेसिपी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बॉल ले लिए हैं। इस बॉल में डालेंगे एक कप बेसन, यहाँ पर एक कप ले लिए हैं। इस कप में डालेंगे 2 से 3 चम्मच दही, अब इस दही में पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि दही का गुठली खत्म हो जाए। पानी दही मिलाया हुआ, अब हम इस बेसन में डालेंगे। और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स न रहे। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिल गया है। तो अब इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो इसे रखे हुए 10 मिनट हो गया है। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये बैटर अभी भी गाढ़ा लग रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी मिला देंगे, फिर इसे मिक्स कर देंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। देखिए हमें इस तरह का बैटर चाहिए। अब इसमें हम पानी नहीं मिलाएंगे। तो गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। इसमें हम 1 स्टैंड डाल देंगे और पानी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक इधर हम, तो यहाँ पर हम 1 केक टिन ले लिए हैं। अब इस केक टिन में ऑयल लगा करके अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर देंगे। ऑयल लगाने से ढोकला अच्छी तरह से निकल जाएगा। बैटर को केक टिन में डालने से पहले इसमें हम मिला देंगे 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 छोटी चम्मच इनो। इसे हम तेज़ी से मिलाएंगे और मिलाने के बाद तुरंत हम बर्तन में डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लिए, अब इसे हम इस बर्तन में डाल देंगे। डालने के बाद इसे इस तरह करेंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। यहाँ पानी भी गर्म हो गया है तो अब इसे हम कढ़ाई में स्टैंड के ऊपर डाल देंगे और ढक्कन से ढक देंगे। इसे हम 10 से 15 मिनट ढक के रखेंगे। तो यहाँ पर ढके हुए 15 मिनट हो गया है तो अब हम ढक्कन हटा करके देख लेते हैं। एक स्टिक लगा करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा ढोकला बन के रेडी है। तो ढोकला को हम अभी इसी में रहने देंगे, 5 मिनट के बाद हम बाहर निकाल लेंगे। तो 5 मिनट के बाद हम ढोकला को बाहर निकाल लिए हैं। अब इसके ऊपर हम 1 थाली रखेंगे और इस तरह पलट करके इसे थपथपाते हुए हम, देखिए ढोकला अच्छी तरह से बाहर निकल गया है। तो अब हम इसे चाकू से कट कर लेंगे। तो अब हम इसे चाकू से कट कर लिए। अब हम ढोकला के ऊपर डालने के लिए तड़का तैयार करेंगे। इसमें डाल देंगे तेल, तेल यहाँ पर 2 से 3 चम्मच डालेंगे। तेल को हल्का गर्म होने देंगे। तेल यहाँ पर गर्म हो गया है तो अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच राई के दाने। फिर डाल देंगे हरी मिर्च,
फिर डाल देंगे करी पत्ता। अब डाल देंगे एक चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक। अब इसमें नींबू गाड़ देंगे। नींबू गाड़ने के बाद फिर डाल देंगे आधा कप पानी। तो अब ये तड़का बनके रेडी है। अब इसे हम ढोकला पे डालेंगे। तो ढोकला के ऊपर हम इस तरह तड़का को डालेंगे। पूरे ढोकला के ऊपर हम तड़का को अच्छी तरह से डाल दिए। अब ये ढोकला बनके तैयार है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।